लव सेक्स और धोखा के मामले में बर्खास्त सिपाही पर बलात्कार सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज। सालों तक शादी के नाम पर बनाए संबंध, शादी से इनकार करने पर युवती ने दर्ज कराया बर्खास्त सिपाही पर केस। पूर्व में पत्नी ने भी दर्ज कराया था दहेज एक्ट का केस। गुना शहर कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने गुना पुलिस के बर्खास्त सिपाही पर शारीरिक शोषण करने और गर्भपात कराने के गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए एसपी के निर्देशन में आरोपी के ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दी है। आरोपी अपने ही पुलिस विभाग से कई बार दगाबाजी कर चुका है, जिसमें पुलिस की जाने वाली कई गोपनीय कार्यवाही से अपराधियों को ये अलर्ट करता था। वहीं आरोपी के विरुद्ध उसकी पत्नी वंदना जोशी ने भी दहेज एक्ट का मामला दर्ज कराया था और अब आरोपी पीड़िता दलित महिला को शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता रहा, क्योंकि आरोपी रंगीज मिजाज का शौकीन है, जिस पर कई महिलाओं से बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज एक्ट जैसे आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार हड्डी मिल निवासी पीड़िता शालू पारदी ने पुलिस को बताया कि आरोपी नीरज जोशी उसके भाई काली चरण का दोस्त है, जो उसके घर आता रहता था। इस बीच आरोपी 5 साल पूर्व रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर पर उसके भाई से मिलने के बहाने आया। पीड़िता घर पर अकेली थी, भाई के घर पर ना होने का कहकर वो दरवाजा बंद करने लगी। इसी दौरान आरोपी नीरज अंदर घुसा और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने अपने घर भी वो ले गया और कई बार शारीरिक शोषण किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने गर्भपात करा दिया और फिर भी वो शादी की बात को टालता रहा। और पिछले वर्ष पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया जो कि 6 माह की है। पीड़िता को आरोपी एक बच्ची की मां बनाकर भाग गया और फोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद पीड़िता बदनामी के डर के कारण मामले की शिकायत नहीं कर पाई, लेकिन अब पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने कायमी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता शालू पारदी और आरोपी नीरज जोशी पिछले 5 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे, जिनके साथ फोटो और बच्ची के फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसमें आरोपी पीड़िता की बच्ची को दुलारते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं वायरल हुए एक वीडियो में आरोपी पारदी समुदाय के आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों के साथ डीजे पर नाचते हुए भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो के आधार पर खबरों ने तूल पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता करीब 1 माह से आरोपी पर कार्यवाही के लिए पुलिस के चक्कर काट रही थी, जिसकी भनक आरोपी को लग गई और इसी बात से बौखलाए सिपाही ने पुलिस अधीक्षक पर ही झूठे आरोप लगा दिए। कई तरह के आरोप उसने लगाए। आरोपी ने आईजी के पूर्व पीए को भी ब्लैकमेल कर लाखों रुपए अर्जित किए थे, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए आरोपी नीरज दर्जनों बार सरकारी अधिकारियों और साथ ही साथ कई अन्य लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। अब देखना होगा कि ऐसे आरोपी पर क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान में इसके पास अवैध हथियार होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मामला ये है कि नीरज जोशी मेरा भाई का दोस्त था, मेरा घर पे आता जाता रहता था, तो उससे मेरी बातचीत होने लग गई थी। फिर वो पुलिस के बारे में ही बताता, मतलब जब भी पुलिस आती थी वो हमें बता देता था। उसके बाद फिर ऐसे ही होते होते 2 महीने हो गए। फिर एक बार उसका फोन आया 8 बजे रात को, उसने मुझे बोला कि दिल्ली की पुलिस आ रही है तेरे घर पर, जो भी उनको भगा दे। अब मैंने भगा दिया मेरे भाइयों को बोल के। उसके बाद वो पानी के बहाने मेरे घर पे आया 12 बजे रात को, फिर वहाँ पे जबरदस्ती करने लग गया। जबरदस्ती करके उसने बलात्कार करा मेरे साथ। फिर उस मैंने किसी को नहीं बताया, सुबह उठ के मैंने मेरी भाभी को बताया। फिर मेरी भाभी ने उसको पूछा, तो भाभी को उसने ये जवाब दे दिया कि मैं शादी कर लूँगा। फिर मेरी भाभी ने भी यही सोचा कि कर लेगा। फिर उसके बाद मेरे घर पर आता रहा, 2-3 बार ऐसा मेरे साथ गलत काम करा। फिर मुझे उसके घर पे भी ले गया, कई बार मेरे साथ करा गलत काम। फिर उसके बाद मेरी बच्ची पेट में, मतलब मेरे 1 महीने को गए थे। ये उसी की बच्ची है? नहीं, इससे पहले की मैं, मतलब हो गई मैं गर्भवती। उसकी मैंने उसकी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी कहने लग गई बेटा अभी तो फिर जल्दबाजी मत कर। उसने फिर मुझे दवाई लेके खिलाई, उसके बाद उसको गिरा दिया।
मेरा ब्लड भी गया, मैं बीमार भी पड़ गई, कमजोर हो गई बहुत। फिर वो वही हरकत वो करने लग गया। अब क्या चाहते हो तुम? वही हरकत करने लग गया। उसके बाद फिर ये बच्ची हुई, फिर मैंने उसको बोला तो कहने लगे, उसकी माँ भी राजी हो गई। 15 दिन मैंने उसके घर पर मुझे उसने रखा 15 दिन। अब मेरा ही फिर उसके बाद